हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपके लिए एक पोस्ट आई है जूनियर एग्जीक्यूटिव की एआई की तरफ से, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं 496 है। और अगर जनरल की बात करें तो 199, EEE की 49, OBC की 140, SC की 75 और ST की 33, और बाकी अदर पोस्ट भी है PWBD कैंडिडेट की। अगर मैं इसमें बात करूँ आपकी एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो वो आप ने अगर BSc की हुई है और आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स था BSc में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है इंजीनियरिंग से, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी, मतलब फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। बाकी BSc के कैंडिडेट ज़्यादा हैं मेरे ऑडियंस में, तो मैं यही कहूँगा अगर आपने BSc की हुई है और फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके पास है, तो आप इसे भर सकते हैं। अब इसकी एज लिमिट की बात करें तो 27 मांगी गई है, और बाकी रिलैक्सेशन वही सेम है जो गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, OBC के लिए 3 ईयर्स और 5 ईयर्स SC ST के लिए। बाकी स्टार्टिंग डेट इसकी 1 नवंबर से स्टार्ट हो गई थी, और लास्ट डेट जो है इस फॉर्म की वो 30 नवंबर, यानी 30 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसका लेवल दे सकते हैं, आपको 40,000 3% और अपर लिमिट इसकी 1,40,000 तक है, और बाकी वही 35% आपको बेसिक पे का पर्क्स मिलेंगे, HRA मिलेगा, अदर बेनिफिट्स जो भी है आप सब एमलुमेंट्स में देख सकते हैं कि आपकी सैलरी किस हिसाब से बनेगी। और एज और कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें 30 नवंबर तक ही काउंट किया जाएगा। इसके बाद इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूं। देखिए इसमें क्या होगा, जो भी डिटेल आप भेजेंगे उसके हिसाब से ही कैंडिडेट को बुलाएंगे, और कैंडिडेट को ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए एक तरीके से एडमिट कार्ड देंगे। तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग के एग्ज़ाम में नहीं होगी, और कब एग्ज़ाम होगा इसको सेपरेट बता देंगे। और बाकी सिलेबस क्या होगा इसका, उसे आप प्रेस नोट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2023 में देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो 1,000 रुपीज़ फ़ीस है एप्लीकेशन फ़ीस, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं 1,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है इसमें आप इस PDF में पढ़ सकते हैं, ये PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा कोई भी डाउट आपके मन में हो या कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।